राकेश, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो में मैं फिर से एलपी के वैकेंसी जो आने वाला है उसके रिलेटेड में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं एलपी का, उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम अभी आ रहा होगा, तो इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि हमको भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आया और उससे कैसे कैसे मैंने डील किया, ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी आपको मिलने वाला है। तो आपका मेन फोकस एलपी अगर निकालना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपका बहुत ही कुछ अच्छा हो जाएगा आपको। और अगर आपको कुछ टेक्निक पता नहीं है तो उसमें आपको बहुत ही आप अपना 100% दे पाएंगे कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि एएलपी का वैकेंसी मतलब जब आएंगे तब आपको क्या तैयारी करना चाहिए। तो देखिए, एएलपी का वैकेंसी 2023 में मैक्सिमम चांसेस है कि 2023 में आ जाएगा, और अगर वैकेंसी आएगा तो हम लोगों के समय वैकेंसी सबसे पहले 23,000 कुछ वैकेंसी आई थी, तो उसके बाद आपका वैकेंसी को इन्हेंसमेंट कर दिया गया था जो कि 64,000 कर दिया गया था। तो अगर उसके हिसाब से रेशियो देखा जाए तो वैकेंसी काफ़ी अच्छा बढ़ गया था। तो उसमें हम लोग को ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग प्रिपरेशन मतलब अपना करते थे, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, कंपटीशन थोड़ा ना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वैकेंसी बढ़ने के कारण आपको काफ़ी सीट मिल गया हर बोर्ड में। तो इसके चलते तो वैकेंसी बढ़ने के कारण क्या हुआ कि हम लोग तैयारी जो कर रहे थे उस तैयारी में हम लोग का और अच्छा तैयारी करने लगे, तो वैकेंसी ज़्यादा होने के कारण हम लोग का सिलेक्शन हो गया। तो आप ये सोचिए कि अगर इस बार वैकेंसी उस रेशियो में नहीं आता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे और वैकेंसी जैसे सपोज़ फरवरी में अगर 2023 में आ जाती है तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 3 मंथ टाइम है। उसके बाद अगर 1-2 मंथ टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम लेने में उन लोगों को फर्स्ट सीविटी, तो उसके हिसाब से सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग वैकेंसी का वेट मत करें, क्योंकि वैकेंसी तो आएगा ही 100% है 2023 में मैक्सिमम चांस है कि आ जाएगा वैकेंसी। तो आप लोग तैयारी करिए, और कैसे तैयारी करना है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था अभी मैं बताने वाला हूँ, तो इससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाएगा वीडियो। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं जब तैयारी कर रहा था तो 2014 में जो वैकेंसी आई थी उसके रिलेटेड मैं मतलब सिलेबस को फॉलो करके तैयारी कर रहा था, तो वो सिलेबस तो पूरा टोटली चेंज कर दिया गया 2018 में जो वैकेंसी आई, पूरा नया सिलेबस आ गया। और एज़ कम्पेयर टू 2014 सिलेबस, 2018 सिलेबस काफ़ी डिफरेंट होने के कारण बहुत ही प्रॉब्लम मुझे हुआ था। तो स्टार्टिंग में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि पढ़ूँ क्या, तो उसके हिसाब से, लेकिन एक फ़ायदा हुआ था कि 2014 वाला जो सिलेबस था उसको मैं फॉलो कर रहा था, तो उसमें मैथ रीजनिंग लगभग सेम ही था, तो मैथ रीजनिंग में मैं ज़्यादा ध्यान दिया और मैथ रीजनिंग मेरा कंप्लीट हो गया था पूरे अच्छे से। तो मैथ में मैं क्या करता था कि डेली आपका कोई एक टॉपिक को कवर करता था, जैसे कि सपोज़ आज एलजेब्रा को कवर कर लिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी सारे सम रहते थे वो क्या करता था कि एक मतलब कोई भी अगर उसमें डाउट निकलता था तो उसको मैं लिख लेता था उस क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन का यूट्यूब चैनल से कहीं से भी उस चैनल के रिलेटेड जो भी मतलब ट्रिक वगैरह है या फिर कुछ भी है तो उसका सॉल्यूशन देख लेता था, और वो क्वेश्चन उसी टाइम में क्लियर कर लेता था, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन रिपीट हो कोई भी क्वेश्चन बैंक में तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर लूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा हो जाता है, और आपका कोई भी हार्ड क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और जो भी बिगनर है, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप पहले मैथ को अच्छे से पूरा जितना सिलेबस है उसके हिसाब से आपको जो भी हार्ड लगता है टॉपिक उसको पहले कवर करिए, और अगर आपको उसमें डाउट होता है तो आप यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल से देखिए वीडियो, आपको बहुत सारा चैनल प्रोवाइड कर देगा उसका। तो मैंने साहिल सर को फॉलो किया था जो कि वाईफाई स्टडी में थे पहले, तो वो सर बहुत ही अच्छा अच्छा ट्रिक बताए थे, तो उनसे काफ़ी मुझे हेल्प मिला। तो आप मैथ में मैंने ऐसे तैयारी किया था, जो भी बिगनर हो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं, डेली आप एक टॉपिक को कवर करिए और डेली 2-3 आवर्स मैथ को प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका मतलब जो तैयारी हो बूस्ट हो जाए
और फिर अभी आपको 3 आवर्स देंगे तो बाद में आपको 1 आवर्स देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि मैथ के बाद रीजनिंग कितना टाइम देना है रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको मेनली 1 आवर्स टाइम देना है डेली, और कोई भी जो भी आपको हार्ड लगता है इसमें भी वही फॉलो करना है, जो भी हार्ड लगता है आपको यूट्यूब चैनल में सर्च करिए और वहाँ पे आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप ऐसा करके मैथ और रीजनिंग को पहले ख़त्म कर दीजिए ताकि वैकेंसी आने के पहले अगर आपको 1 महीना भी टाइम मिलता है तो आप पूरा अच्छे से रिविज़न कर सके। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपका पीछे जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर उस समय से उन लोग तैयारी करते हैं तो आप उससे आगे रहेंगे और आपका सिलेक्शन 100% पक्का होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब एलपी का एग्ज़ाम का जब फॉर्म आया था तो मुझे बहुत ही मतलब मेरा मेन टारगेट एलपी था, क्योंकि वो मुझे बहुत ही अच्छा जॉब लगता है और इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड था मैं शुरू से कि ट्रेन को चलाते कैसे हैं, और ट्रेन के आगे से जो व्यू दिखता है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा फील होता है कि आगे बैठ करके आप ट्रेन को आप लेकर के आगे जा रहे हैं, तो बहुत ही मतलब अच्छा फील होता है। तो आप समझ सकते हैं जो भी एलपी बनना चाहते हैं और मतलब लोको पायलट बनना चाहते हैं वो, उनको अभी से अगर इस जॉब को फोकस कर लेते हैं मतलब वैकेंसी जो आने वाली है उस पर फोकस करके अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो आपका 100% निकलेगा। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि करंट अफेयर बहुत ही डेली डेली आपका करंट अफेयर बहुत सारे करंट आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसमें मैं क्या करता था कि कोई भी करंट अफेयर अगर डेली जो बनता था उसको मैं एक नोट्स कॉपी बनाया था। सपोज़ आज डेट, अगर आज जो भी डेट है उसके हिसाब से मैं लिख देता था कि आज इतने सारे करंट अफेयर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इतने सारे करंट अफेयर मेरे नोटबुक में मतलब मैंने लिख लिया, और जब ऐसे करते करते मैं बहुत सारा पूरा मंथली का करंट अफेयर अपने खुद से नोट्स बना लेता था, और बहुत सारे चैनल को भी मैं ऑनलाइन फॉलो किया था ताकि पूरा अच्छा से करंट अफेयर मतलब मेरे नोट्स मेरे पास रहे। और कोई मैं बुक फॉलो नहीं करता था, एक स्पीडी का बुक आता था जो कि 6 मंथ या 1 ईयर का उसमें क्वेश्चन रहता था, उसको मैं फॉलो किया था। तो आप ऐसे अपना करंट अफेयर को तैयारी करिए जो भी बिगनर है, क्योंकि आप अगर अभी से करेंगे तो आपका 1 ईयर या 1 पॉइंट मतलब 1.5 साल का आपको करंट अफेयर कम से कम आपके साथ रहना चाहिए। और आपको एक फ़ायदा अभी होगा मतलब जब एग्ज़ाम आपका आएगा तब आपको क्विक रिवीजन के लिए आपका खुद का नोट्स है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मतलब सब्जेक्ट है वो है साइंस। तो साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको पूरा आप कोशिश करें कि पूरा बेसिक आप क्लियर करें और इसको याद करने का कोशिश मत करें, क्योंकि ये बहुत आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन। तो आप कोई भी टॉपिक अगर डेली, जैसे सपोज आज लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सारा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका एक खुद से नोट्स बनाइए, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए, और नेट में बहुत सारे मतलब यूट्यूब में बहुत सारे फैकल्टी हैं उन लोगों का वीडियो देखिए। तो नीरज सर को मैंने फॉलो किया था तो वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हैं। और जो भी बिगनर है वो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद का नोट बनाएं और किसी और का नोट्स मत फॉलो करें, अपने पढ़ें, क्योंकि आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट कहाँ है और आप उस हिसाब से आप उस नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो आपका आगे फ़ायदा होगा। और जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो जनरल नॉलेज ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% कमांड करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप कोशिश करें कि मतलब इस सेक्शन को डेली आप 2 आवर्स टाइम दीजिए, और इसमें क्या हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी सब अच्छे से पढ़िए, हिस्ट्री को कहानी जैसा रिलेट करके पढ़िए स्टोरी बना बना करके, तभी आपको हिस्ट्री समझ में भी आएगा। और इसको रटने का कोशिश मत करिए, क्योंकि जनरल नॉलेज आप अपने तरीका ट्रिक बना के याद कर लेंगे तो आपको मतलब काफ़ी अच्छा होगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो जनरल नॉलेज बहुत ही इन्हेंस है इसका मतलब सिलेबस, तो आप इसको कोशिश करें कि बहुत सारे बुक है मार्केट में, जैसे मेरा एक बुक वाला वीडियो देखिएगा उसमें मैंने कौन कौन बुक फॉलो किया था, आपको अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को देखे जा करके और उसमें आपको क्या क्या बुक आप अपने हिसाब से ले लीजिए जो भी बुक आपको लेना होगा, तो ये फॉलो करिए और ऐसे पढ़िए, जो भी बिगनर है तो उन लोगों को काफ़ी हेल्प होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी बुक लेना।
और वैकेंसी तो आएंगे ही, क्योंकि अभी मतलब बहुत सारे रिटायरमेंट भी होने वाला है और हम लोगों को काफ़ी जल्दी जल्दी ड्यूटी भी जाना पड़ता है, और 16 घंटे या 18-20 घंटे में रेस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोगों को ड्यूटी में कॉल आ जाता है। तो वैकेंसी का तो है, रेलवे में बहुत ज़रूरत है, तो वैकेंसी तो आएंगे ही, क्योंकि रिटायरमेंट भी हो रहे हैं और वर्कलोड भी ज़्यादा है। तो और ये सभी सेक्शन मतलब ये जो डिपार्टमेंट है, रनिंग स्टाफ, ये तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगा इंडियन रेलवे को, क्योंकि बहुत सारे गुड्स ट्रेन चल रहे हैं और काफ़ी गुड्स अभी चल रहे हैं, तो ALP का तो हमेशा ज़रूरत है। तो अगर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जल्दी से अपने भाई के चैनल को मान के पहुँचाइए। और तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।